Good morning, Sashrikal, Namaskar, Adab. Welcome to Putta College Giri, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਬੀਐਡ ਦੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੱਲ ਚੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਆਪਕੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਥੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਬਤਾਈ ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ के बारे में तो आपने जो बताना है हमें लेकिन उसके पहले हमारे व्यूअर्स के साथ ये शेयर कीजिए कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या कौन से लोग हैं क्या पढ़ाई करके क्या ग्रेजुएशन करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जी जरूर थैंक यू दिलराज मैम फॉर आस्किंग क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है minimum percentage 50% marks in aggregate okay. whether it is graduation or whether it is post graduation okay. both are eligible so okay. 50% marks in aggregate hone chahiye aur wo candidate eligible hai admission lene ke liye admission lene ka certain you know criteria hai aur pattern hai hamari university ka like we are affiliated from punjab university chandigarh to university har saal entrance conduct karati hai okay so on the basis of entrance marks in entrance ek merit प्रिपेयर होती है जिसके बेसिस पर एडमिशन होता है यानी ये एंट्रेंस एग्जाम हर स्टूडेंट को देना पड़ेगा जिस जो एडमिशन चाहता है चाहे वो ग्रेजुएट है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट है ठीक है तो उसके थ्रू जो है एक बच्चा बीएड में एंटर हो सकता है और जब एडमिशन होता है तो हर स्टूडेंट को दो टीचिंग सब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं पेडागॉजी सब्जेक्ट्स ओके वो उन्हें सेलेक्ट करने होते हैं और वो जो सब्जेक्ट पेडागॉजी सब्जेक्ट में दैट आर बेस्ड ऑन देयर प्रीवियसली स्टडीड सब्जेक्ट लाइक अ स्टूडेंट जैसे कि मेरे साथ में एक स्टूडेंट है जी जी तो ये साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये दो सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के सेलेक्ट करेंगे अपने एज अ पेडागॉजी सब्जेक्ट ओके तो इतना इनको यहाँ पे करना होता है जी तो बेसिकली बीएड का जो ये कोर्स है मैम दो साल का आपको पता है जी 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 चार सेमेस्टर में कोर्स जो है डिवाइडेड है जी और थ्री सेमेस्टर टोटली स्पेसिफिकली फॉर थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट्स राइट एंड वन सेमेस्टर इज मेंट फॉर प्रैक्टिस टीचिंग दैट इज इंटर्नशिप जिसके बारे में कल चेतना मैम ने आपसे सेमेस्टर की बात हाँ जी उन्होंने बहुत डिटेल में बात की तो थर्ड सेमेस्टर प्री इंटर्नशिप के लिए होता है तो मैं तो ये मानती हूँ मैम ये जो पीरियड है जो स्टूडेंट से टीचर बनने का जो फेज है इट्स जस्ट लाइक अ ट्रांजिशन पीरियड है ना अभी यू नो रिसीव और हमारे पास जो स्टूडेंट आता है वो रॉ स्टूडेंट होते हैं विद अ मेंटेलिटी ऑफ अ स्टूडेंट एंड देन दे बिकम स्टूडेंट टीचर उसके बाद वो स्टूडेंट टीचर से लेकर टीचर बनने तक का जो पाथ है जी वो पूरा पाथ हम कहेंगे कि बीएड का कोर्स है ना और जस्ट लाइक एक सीड से सीडलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन जो है जी, जी, जी. वो बीएड का कोर्स है राइट राइट तो इस फर्स्ट ईयर में जैसे आपने कहा कि तीन सेमेस्टर जो हैं वो उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं तो जैसे कल रचिता जी ने बताया कि जो थर्ड सेमेस्टर था वो टीचिंग प्रैक्टिस पे था और फोर्थ सेमेस्टर में उन्होंने पॉलिशिंग की हाँ स्टूडेंट्स की तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या क्या करवाते हैं देखिए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो करिकुलम है जो डिज़ाइन यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है या बोर्ड ऑफ स्टडीज करती है बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव और मैं कहूँगी वाइड है ओके इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये आप भी मानती होंगे कि आज के टाइम में टीचर का जो रोल है वो चेंज है जी, आज जो टीचर है वो सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट नहीं करता जी क्लास में उसका रोल जो है मल्टी टास्किंग ओके तो ही हैज टू बी अ गाइड ही हैज टू बी अ फिलोसोफर ही हैज टू बी अ काउंसलर मोर ओवर ही हैज टू बी अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग जी जी एक रोल मॉडल है जो टीचर्स हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर हम अपनी बात भी करें मोनिका जी तो हम भी अपने टीचर्स को लुक अप करते थे हम कोशिश करते कि हम इनके जैसे बने बिल्कुल मैम बिल्कुल तो जो ये सारी डिमांड्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की इनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम बहुत वास्ट है जी बहुत डिफरेंट और वराइट जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं दोनों सेमेस्टर्स के अंदर ओके अगर मैं वन बाय वन बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन ओके जिसमें स्टूडेंट ये सीखते हैं कि एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है एजुकेशन की बैकग्राउंड क्या है कैसे कंसेप्ट डेवलप हुआ कैसे डिफरेंट जो है फिलोसोफर्स ने एजुकेशनिस्ट ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जिसकी वजह से ये जो कंसेप्ट है आज डेवलप हुआ है जी जी फिर एक जो और पेपर है सब्जेक्ट जिसको मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ओके उसमें स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि टू हूम यू आर गोइंग टू टीच फर्स्ट यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट दैट लर्नर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि विदाउट नोइंग योर लर्नर यू कैन टीच. तो किस एज स्पैन का है आपका लर्नर, क्या उसकी एबिलिटीज हैं, क्या एप्टीट्यूड्स हैं उसके, कौन कौन से उसके अंदर स्किल्स हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, सारी चीजें बच्चा एक्सप्लेन होता है इस पेपर के थ्रू. जी जी. देन वी हैव सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया. आज के टाइम में एजुकेशन का क्या स्टेटस है, आज के टाइम में एजुकेशन के लिए क्या एफर्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल क्या है. लाइक बहुत सारी आपने स्कीम सुनी होंगी, रूसा है, रमसा है जी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल कमीशन है, उनके बारे में बच्चों को एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो बताया जाता है. फिर सबसे जो एक अच्छी बात है मैम कि आजकल के टाइम और ट्रेंड को देखते हुए जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एज है, तो आईसीटी एंड स्किल डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है वो दोनों ही सेमेस्टर में कंपल्सरी है. ओके ठीक है. तो बच्चा जो है आईसीटी की बेसिक से लेकर रिज्यूम राइटिंग तक और हाउ टू यू नो डिस्प्ले रिजल्ट एंड स्प्रेडशीट्स, वो सारी चीजें यहाँ पर सीखता है. जी. तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हमारा करिकुलम जो है डाइवर्स है, हर डायमेंशन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम हारमोनियस डेवलपमेंट कहते हैं. तो इसमें एजुकेशन जो है सिर्फ आप एक लिमिटेड मेथड से नहीं प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट मेथड सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को. जी जी. जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में भी, एजुकेशन थ्रू टीचिंग थ्रू ड्रामा एंड आर्ट एंड म्यूजिक. हाउ इंटरेस्टिंग यू नो कि बच्चा अपने सब्जेक्ट को थ्रू ड्रामा जो है वो टीच कर रहा है, थ्रू म्यूजिक, थ्रू पोएट्री. जी जी. वो उनके थ्रू कैसे आपने कंटेंट डिलीवर करना है स्टूडेंट वो सीखता है ये फर्स्ट ईयर में है. फिर हेल्थ आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए योगा एंड स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट है, दैट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. आर्टिस्टिक एस्थेटिक सेंस को डेवलप करने के लिए सिंपल एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंसी का सब्जेक्ट है, वो भी कंपल्सरी है. बच्चे ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग, ऑल दैट जो टीचर के लिए रिक्वायर्ड है आपको पता है, वो सारे स्किल्स जो हैं वो बच्चे यहाँ पर गेन करते हैं. फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि जैसे लास्ट सेशन में आपने डिस्कस किया था कि हमारे बच्चे थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं. जी बिल्कुल. और उसके लिए चेतना मैम ने ये भी बताया कि वन मंथ का हम लोग यहाँ पे पूरा उनका शेड्यूलिंग करते हैं उनकी प्रिपरेशन का. जी बिल्कुल. बट बिफोर सेंडिंग टू देम फील्ड वी हैव अ प्रोविजन ऑफ प्री इंटर्नशिप. ओके. तो प्री इंटर्नशिप में बच्चे को 2 वीक्स के लिए स्टूडेंट स्कूलों में जाते हैं. जी. दे विजिट इन द स्कूल, उनकी पूरी फंक्शनिंग को समझते हैं. राइट. क्लासरूम में जाकर अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो वो टीचर को पढ़ाते हुए देखेगा वहाँ पे कि कैसे पढ़ा रही है, क्या टेक्निक्स यूज कर रही है, इंट्रैक्शन का पैटर्न कैसा है, कैसे जो है रिजल्ट कंपाइल करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाने हैं, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, वो सब दोनों ही सारी ट्रेनिंग जो है आप इसके थ्रू. हाँ जी. ये फर्स्ट सेमेस्टर में प्री इंटर्नशिप दोनों ही सेमेस्टर में है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी है. जी जी. तो सब्जेक्ट तो इतने वराइड है कि मैंने आपसे पहले भी कहा जी, जी, हर डोमेन से आप बता रहे हैं. जी हाँ जी. उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है. तो राजीव मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मोनिका जी ने बताया कि बड़े वराइटी है सब्जेक्ट्स की जो इनके पास है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करने के बाद आपने क्या नॉलेज गेन की? There is a totally different type of knowledge I have gained in this course. Before in graduation and post-graduation, we are only bounded into particular subject. जो हम subject पढ़ रहे हैं सिर्फ हम उसी में bounded रहते हैं. Yeah. Especially when you are taking up any specializations in your post-graduation. Yes, yes. I have yes. Master's in physics. Correct. So being a student of science, तो हम सिर्फ अपने साइंस में ही बाउंडेड रहते थे. यहाँ पे जो हमने सबसे पहले वाइडर कॉन्सेप्ट सीखा है वो है एजुकेशन का. एजुकेशन जैसे हम स्कूल्स में थे तब हमारा जो प्रसेप्शन था एजुकेशन के लिए वो यही था कि स्कूल में जाओ, क्लास में जाओ, वही सिर्फ एजुकेशन है. बट यहाँ इस कोर्स में आके हमने ये भी सीखा कि एजुकेशन जो है एनीवेयर एंड एवरीवेयर है. Right, उसकी फॉर्मल वेज, उसकी वो इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है. और एजुकेशन इन फिलोसॉफिकल व्यू और इन सोशियोलॉजिकल व्यू, जो एजुकेशन है उसका सोसाइटी में क्या रोल है और सोसाइटी का एजुकेशन में क्या रोल है, ये सारी हमने ये कॉम्प्लेक्स मीनिंग जो है एजुकेशन का वो हमने यहाँ पे नॉलेज गेन किया है उसके बारे में. और सेकेंड मेन थिंग इज अबाउट स्टूडेंट्स. एज अ जर्नी टू बिकम अ टीचर, आज जो बोलते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच चल रही है स्कूल्स में, तो स्टूडेंट सेंटर में है. स्टूडेंट को सेंटर में रखने के लिए जो हमें जानने की जरूरत है वो है स्टूडेंट्स की नीड्स.
और सबसे बढ़िया बात ये है कि हमने ये भी सीखा यहाँ पे कि अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो हर एक 50 स्टूडेंट है जो डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर इंडिविजुअल अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमें बिल्कुल पहले कोई आइडिया नहीं था, वो हमें इस कोर्स ने सिखाया है कि हर एक पर... आपका पर्सपेक्टिव और अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं, वो होराइजन को आपके वाइडन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की हर एक नीड, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हमें उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे उनकी कैपेबिलिटी को जानना है, कैसे उनसे एक्टिविटीज करवानी है, वो सारे हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, इस कोर्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ओके, जैसे एजुकेशन में मैंने बताया कि प्रसपेक्शन हमारा चेंज हुआ, उसी तरह से टीचिंग के लिए भी हमारा प्रसपेक्शन चेंज हुआ है। जैसे हम क्लासेस, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, टीचर आता है क्लास में, सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा कर चल जाते हैं। यहाँ पे हमने ये सीखा कि ओनली लेक्चर मेथड इज नॉट इनफ, इसके बियॉन्ड भी जाकर हमने यहाँ पे पढ़े हैं, लेक्चर मेथड होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होता है, और माइक्रो टीचिंग होती है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है, ये सारा कुछ हमें इस कोर्स में सिखाया है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है उसके उसके थ्रू हम टीचर जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं, वो टीचर पढ़ा रहा है पर बच्चे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बच्चा ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा तो टीचिंग का कोई मायने नहीं है। तो रिफ्लेक्शन में हम ये देख सकते हैं, हम अपने एक्सपर्ट टीचर्स की हेल्प से हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं, हम स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स तो हमें इस कोर्स में ही आके जो है पता चली है। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्लास मैनेजमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो उनको कैसे मैनेज करना है। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो मूडी भी होते हैं, खासकर जब बच्चे एक यंग एज में होते हैं, उनको भी हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैम जैसे रिकॉर्ड्स, टीचिंग सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं है, टीचिंग में और बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, स्टूडेंट्स के रजिस्टर्स मेंटेन करना, अटेंडेंस लगानी, ये सारी चीजें हमें इस कोर्स से ये नॉलेज हमें मिलती है। इवन के मॉर्निंग असेंबली जो होती है, जो हमने स्कूल में स्कूल तक छोड़ दी थी, हमने वहाँ यहाँ आके हमने वो भी मेंटेन की है। उसका मेन पर्पज यही है कि हमें हमने बच्चों में वो वैल्यूज इंकल्केट करनी है, और हमें ये मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कैसे करवानी है ये भी हम सीखते हैं यहाँ पे। Like we teach by example actually, जो हम खुद करेंगे तो वही हमारे स्टूडेंट्स करेंगे। Yes, of course. और इसके बिना जैसे हम बोलते हैं कि 21st century is the time of technology, so technology तो बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ से सीख के जाएंगे तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भी होती है ब्लेंडेड टीचिंग होती है, टेक्नोक्रिएट्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो वो सब सीखने के लिए मतलब ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो मतलब ये कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं बहुत जरूरी हैं। और हमने यहाँ पे रिज्यूमे बनाना सीखा, प्रेजेंटेशन बनानी सीखी, एक्सेल में रिजल्ट कैसे बनाते हैं वो सीखा, और मेन जो है हमने जाके स्कूल में पढ़ाना है, लाइक इंटरैक्टिव बोर्ड यूज करना है, प्रोजेक्टर्स यूज करने हैं, वो सारा हमें यहाँ पे नॉलेज हमको सीखने के लिए मिली। अच्छा मोनिका जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपने एक प्री इंटर्नशिप के बारे में बात की थी कि आप कैसे कि बच्चों को आप, चलिए मैं अब बच्चे नहीं कहूंगी, जैसे कल हमें करेक्ट किया गया जी, चेतना जी ने बड़ा अच्छा हमें एक टर्म दिया है कि टीचर ट्रेनीज, तो उनको आप एक प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप और बताएं। हाँ जी मैम, जरूर। जो प्री इंटर्नशिप ट्रेनिंग है मैम, ये 2 weeks की होती है और दोनों सेमेस्टर में, जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो बिफोर सेंडिंग देम टू फॉर प्री इंटर्नशिप हम लोग पहले प्रायर परमिशन लेते हैं स्कूल से। जी ठीक है, तो स्कूल से परमिशन लेके हम टाइमिंग उनके बिल्कुल फिक्स करते हैं, साथ में एक हमारा टीचर सुपरवाइजर साथ चलता है, हर स्कूल जितने बच्चे अलॉट किए जाते हैं साथ में एक टीचर कंसर्न जाएगा जो उनको वहाँ पे गाइड करेगा। जी साथ में एक स्कूल कोऑर्डिनेटर होता है जिसके साथ हम टाई अप करते हैं। राइट, फिर हर स्टूडेंट को उसके टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है, अलॉकेट किया जाता है सर्टेन क्लासेस में, जहाँ बैठकर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ओके, एंड देन दे हैव टू मेक रिकॉर्ड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, प्रॉपर एक परफॉर्मा होता है जो वो लोग नोट डाउन करेंगे हर एक स्किल, हर एक यू नो इंट्रैक्शन का पैटर्न, हर एक मेथोडोलॉजी जो टीचर उस टाइम पे
यूज करता है और इसके साथ साथ जो स्कूल की बाकी फंक्शनिंग है जैसे लाइब्रेरी में किस तरह से बुक्स रेफरेंस सेक्शन कौन सा है, टेक्स्ट बुक सेक्शन कौन सा है, वेब जर्नल्स किस तरह से है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये लोग लेकर आते हैं. इवन दैट सीसीई पैटर्न जो हम कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कैसे वो रिकॉर्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है. अब जैसे आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, वो भी टीचर्स ही करते हैं. तो वो रिकॉर्ड भी ये लोग मेंटेन करना वहां से सीख कर आते हैं. तो राजीव, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी. जैसे कि मोनिका जी ने बताया कि ये एक ट्रांजिशन होती है स्टूडेंट से टीचर तक की, जो ये बीएड का जो ये कोर्स होता है, तो आप अपने आप में क्या चेंज आप महसूस कर रहे हो, कौन सी ट्रांजिशंस आप नोटिस कर रहे हो कि आपने क्या क्या चेंजेस आए कि यू वर अ स्टूडेंट टिल नाउ एंड नाउ यू आर गोइंग थ्रू दैट स्टेज टू बिकम अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड टीचर. तो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, अभी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ये आप शेयर करें हमारे साथ. Ma'am, there are very drastic changes I feel in myself and all students feel that. सबसे पहली बात है building of confidence. Yes. Previous classes में, graduation में, post graduation में हमें बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम class के front में जाके बोल सकें कुछ. Right. माइनस भी होती है और हमें मौके भी नहीं मिलते हैं. बट यहाँ इस कोर्स में हमें बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में मौके मिले, प्रेजेंटेशन हमने कंडक्ट की, सेमिनार्स कंडक्ट किए, उसके थ्रू हमने बोलने का जो एक तरीका सीखा और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस. जी आज दिख रहा है यू आर स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली टू अस. Yes. वही बोलने वाली थी कि आज हम यहाँ आपके सामने बोल रही हैं, ये इसी कोर्स का जो रिजल्ट है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज जो हमने फील किया है, सारे स्टूडेंट्स ने फील किया है. इसके अलावा इंकल्केशन ऑफ स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं मतलब जो हमें इस कोर्स में दी हैं. पहले वही बात फिर आ जाती कि पहले मौके नहीं मिलते. यहाँ इस कोर्स में इतनी एक्टिविटीज होती हैं, इतने हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उसके थ्रू जैसे मैम ने बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है ड्रामा एंड म्यूजिक, तो उसके उसके अंदर हमने ड्रामा जो प्रेजेंट किया, म्यूजिक थोड़ा पढ़ा, तो उससे हमने ये सीखा कि हम ड्रामा के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को कैसे टीच कर सकते हैं. इसके इसके साथ क्या होता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बन जाता है. Right. और म्यूजिक के थ्रू हम कैसे उनको लाइक हम टेबल सिखा सकते हैं उसको. तो ये सारी स्किल्स हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स की हमारे गेम्स कंपटीशन होते हैं, हमें योगा एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज दी गई है यहाँ पे. तो हमारा वो हमने बहुत सारी चीजें हैं, स्किल्स जो हैं यहाँ इस सेमेस्टर में हमारे पास जो गार्डनिंग है, लाइक क्राफ्ट है, इंटीरियर डेकोरेशन है, तो ये सारी मतलब एक हम बोल सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट है जो हम स्टूडेंट्स की और प्यूपल टीचर की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हो रही है. इसका फायदा ये होगा कि हमारी तो डेवलपमेंट हो ही गई है और अगर हमारी होगी, टीचर्स की होगी, तो हम जाके स्टूडेंट्स की इस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं. राइट राइट. सो मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस सेशन. एंड राजदीप, यू टू, इट वाज वंडरफुल हैविंग बोथ ऑफ यू ऑन दिस सेशन. बड़ा इंफॉर्मेटिव था, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था. हमारे व्यूअर्स को एक फेयर आइडिया हो गया होगा दोनों सेशन से कि बैचलर इन एजुकेशन जो कोर्स होता है उसमें किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, किस तरह के सब्जेक्ट्स आपको कराए जाते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह की नॉलेज आपको मिलती है और किस तरह के आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. दिस इज दिलराज साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुट्टा कॉलेज गेडी, द लाइव यूट्यूब चैनल ऑफ पुट्टा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. थैंक यू.